डालेंगे 2 शिमला मिर्च, लाल और हरा। अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। टमाटर के बाद टमाटर को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे। अब इसके बाद डालेंगे टोमेटो प्यूरी एंड इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, पाव भाजी मसाला, कश्मीरी मिर्च एंड इसको डालकर हम मिक्स करेंगे। इसमें अब हम डाल देंगे लेमन और इसको ढाक देंगे पकने के लिए। जब ये बॉईल आ गया है तो अब हम इसको मैश करेंगे। इतने अच्छे से मैश करेंगे कि कोई भी खड़ा आलू ना रहे।